तो इस मूवी की कहानी शुरू करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि ये बर्ड बॉक्स 2 है, मगर ये उसके आगे की कहानी नहीं बल्कि एक सेपरेटेड स्टोरी है जो कि उसी दौरान दूसरी तरह से प्रेजेंट करी गई है, किसी और का बचना बचाना उस स्पीसीज से, जैसा कि बर्ड बॉक्स 1 में दिखाया गया था। मूवी की स्टार्टिंग में एक पिता और एक बेटी को दिखाया जाता है, जहाँ पर ये दोनों ही खुश लग रहे होते हैं और बेटी स्केटिंग सीख रही होती है अपने पिता से। ये एक स्केटिंग होल ही होता है, बट यहाँ पर इनके अलावा और कोई नहीं होता। इसके बाद इनको एक आहट सी सुनाई देती है, जिसके बाद यहाँ से ये लोग भागने लगते हैं। पिता का नाम सेबिस्टियन होता है और बेटी का नाम होता है एना। और इसी दौरान इनको 3 अंधे लोग मिलते हैं जो कि सेबिस्टियन को पीट कर उसका खाना छीन कर भाग जाते हैं। मगर यहाँ पर जब सेबिस्टियन अपने बचाव में उन पे हमला करना चाहता था, तो यहाँ पर एना उसको मना कर देती है और वो ऐसा ही करता है, वो उनको जाने देता है। फिर हम लोगों को बाहर की दुनिया दिखाई देती है, जहाँ पर बाहर की दुनिया पूरी तरह से तबाह है और बहुत ही कम इंसान है जो कि सर्वाइव कर पाए हैं। यहाँ पर एक ऐसा स्पीशीज घूम रहा है जिसको देखते ही लोग अपनी ही जान ले लेते हैं, और इसी वजह से यहाँ पर लोग अपनी आंखों पर पट्टी बांध कर घूमते हैं। जो भी इस स्पीशीज को देख लेता है वो अपने आप को मार डालता है, और ज्यादातर लोग ऐसा ही कर चुके हैं, और इसी वजह से इस दुनिया की हालत इस तरह से है। अब जब सेबिस्टियन और एना एक साथ एक जगह पे घूम रहे होते हैं, इनको 4 लोगों के चलने की आर्ट आती है। इनको सुनकर सेबिस्टियन इन लोगों से मदद मांगता है और उनके साथ ज्वाइन करने की उनसे रिक्वेस्ट करता है, मगर इन 4 लोगों का सेबिस्टियन पर भरोसा नहीं होता और उसको साथ में ज्वाइन करने के लिए मना करते हैं। इस पर सेबिस्टियन उनको बोलता है कि उसको पता है कि जनरेटर किधर है, और साथ में ये भी बताता है कि मैं एक इंजीनियर था और मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। इसी चीज को सुनकर वो 4 लोग इसको अपने साथ ले आने के लिए हाँ कर देते हैं और अपने साथ ले जाते हैं। और ये जगह थोड़ी सी बड़ी होती है, और यहाँ पर और भी लोग होते हैं जो कि अलग अलग बसों के अंदर रहते हैं। यहाँ पर सेबिस्टियन एक डॉक्टर से भी मिलता है, जहाँ पर उसके जख्मों का इलाज कराया जाता है। और यहीं पर सेबिस्टियन को एक बंदा मिलता है जिसने अपनी ही आंखें खुद से फोड़ी थी, और इसी का रीजन देते हुए वो अपनी कहानी सुनाता है। वो बताता है कि कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कि है तो पूरे होश में, मगर उन स्पीशीज के साथ मिले हैं, और उन इंसानों को हम सियर बुलाते हैं। वो लोग किसी ना किसी तरह लोगों की पट्टी हटवा देते हैं और उनको अपनी जान लेने पर मजबूर कर देते हैं उस स्पीशीज को दिखाकर। और इसी वजह से मैंने अपनी आंखों को खराब कर लिया ताकि मैं उन स्पीशीज को देख ना पाऊं और जिंदा रहूं। अब रात का टाइम आता है जब सेबिस्टियन छुपके से एक चाबी उठा लेता है, जो कि उसी बस की होती है जिसमें बाकी सब लोग सो रहे होते हैं। वो बस के अंदर घुसता है और सीधा ड्राइवर सीट पे बैठकर बस को ऑन कर देता है, जिस चीज को बाकी सभी भाप लेते हैं और उठ के सीधा सेबिस्टियन के पास उसको रोकने के लिए जाते हैं, मगर सेबिस्टियन अपना ड्राइवर सीट पे बैठकर उस कैबिन को बंद कर लेता है। फिर इसी बीच बाकी सब लोग उसको रोकने की कोशिश करते हैं, मगर वो किसी की नहीं सुनता और सीधा बस को बाहर ले जाता है। इसी छीना चुपटी में बस बाहर जाते ही पलट जाती है, और उसके बाद बस में से एक एक करके सब निकलते हैं। सेबिस्टियन इन सब की आंखें खोलना चाहता था उस स्पीशीज के सामने, ताकि ये सब अपनी जान ले लें, और ऐसा ही होता है। सब एक एक करके अपनी जान ले लेते हैं, क्योंकि सेबिस्टियन उनकी आंखें एक एक करके खोल देता है उसी स्पीशीज को दिखाने के लिए। और साथ ही में सेबिस्टियन इनको मरते हुए देख इनकी आत्मा को निकलते हुए देख सकता था एक चमकती रोशनी में। अब यहाँ पर ये रिवील होता है कि सेबिस्टियन के साथ जो उसकी बेटी होती है वो असल में रियल नहीं होती, उसकी इमेजिनेशन होती है, और ये इमेजिनेशन उन स्पीशीज के थ्रू सेबिस्टियन को दिखती है, यानी कि वो स्पीशीज ही उसकी बेटी के रूप में उसके साथ रहते हैं और उसको मिसगाइड कर रहे हैं ताकि वो लोगों की जान ले पाए। और उसको बार बार यही बताया जाता है कि वो बिल्कुल सही कर रहा है और वो लोगों की मदद कर रहा है उनको आजाद करने में, यानी कि सेबिस्टियन जैसे लोगों को ही सियर बोलते हैं जो कि उन स्पीशीज के कब्जे में है। इसी के बाद सीधा 9 महीने पहले का टाइम दिखाया जाता है, जब ये महामारी शुरू हुई थी। यहाँ पर सेबिस्टियन को दिखाया जाता है कि वो एक इंजीनियर होता है और अपनी साइट पे काम कर रहा होता है। इसी टाइम पर इसके पास एक कॉल आती है जिसमें उसको बताया जाता है कि जो उसके अंडर एक प्रोजेक्ट पर लेबर काम कर रही है वो सब एक एक करके अपनी जान ले रहे हैं। और इसी के बाद जब सेबिस्टियन अपने ऑफिस के अंदर जाता है, तो वहीं से वो ये नोटिस करता है कि लोग कैसे अपनी जान ले रहे हैं, क्योंकि वो स्पीशीज अब उनके शहर तक भी पहुंच चुके थे और जो भी उनको देख रहा था तब एक एक करके अपनी जान ले रहे थे। इसी टाइम पर सेबिस्टियन के पास उसकी बीवी का कॉल आता है, और उसको वो बोलती है कि उसकी बेटी एना स्कूल में ही है और उसको लेकर आने के लिए बोलती है। अभी सेबिस्टियन को आइडिया नहीं है कि किस तरह से बाहर बचा जा सकता है, वो अपनी बेटी को लेने के लिए बाहर भागता है, जहां वो देखता है कि बाहर बहुत ज्यादा महामारी फैल चुकी है, कोई भी अपने कंट्रोल में नहीं है। इसी दौरान जैसे ही वो बाहर निकलता है तो उसकी गाड़ी पर एक बॉडी आगे गिरती है, और अब वो अपनी कार से नहीं जा सकता, तो इस वजह से वो ट्रेन स्टेशन पर चले जाता है। और जब वो ट्रेन का वेट कर रहा होता है बाकी लोगों के साथ, तो उसी टाइम पर वहां पर वो स्पीशीज आ जाती है, जिसको देख के बाकी सारे लोग पागल से हो जाते हैं। और सेबिस्टियन इस चीज को भाप लेता है कि जो भी उस चीज से नजर मिला रहा है वो अपना आपा खो रहा है, इसलिए सेबिस्टियन अपनी नजरें नीचे कर लेता है। मगर जिन लोगों ने भी उस स्पीच को देख लिया था वो लोग अपना आपा खो चुके थे और अपने आप को मारना शुरू कर देते हैं। यहाँ से सेबिस्टियन किसी तरह अपनी जान बचा के भागता है और सीधा किसी तरह अपनी बेटी के स्कूल पहुंच जाता है और सीधा अपनी बेटी को वहां से पिक कर लेता है। और जब अपनी बेटी को लेकर वहां से बाहर निकलता है तो बहुत ज्यादा अफरा तफरी मची होती है, इस चीज से बचने के लिए वो सीधा एक चर्च के अंदर चले जाता है। यहीं पर उसको एक फादर मिलता है जिसका नाम ग्रीफ होता है। यहाँ पर ग्रीफ
चीफ इन लोगों से अजीब सी बातें कर रहा होता है, यही बोलता है कि वो जो भी चीज है वो कोई बेकार लोग नहीं बल्कि फरिश्ते हैं जो कि लोगों को उनकी जिंदगी से आजाद कर रहे हैं और तुमको भी ऐसा ही करना चाहिए। मगर सेबेस्टियन यहाँ पर यही बोलता है कि मुझे सिर्फ अपनी बेटी को बचाना है और मैं यहाँ से निकल रहा हूँ, और वहां से वो चले जाता है। उसी के बाद वो किसी तरह अपनी बीवी के पास पहुंचता है, मगर जैसे ही सेबेस्टियन अपनी वाइफ से मिलता है और उसकी वाइफ रोड क्रॉस कर रही होती है तो उसी टाइम पर कोई गाड़ी आके उसको उड़ा देती है, मतलब कि मार डालती है। इसी के बाद सीधा सीन प्रेजेंट में आता है जहां पर सेबेस्टियन चर्च में होता है और अपने गुनाहों की माफी मांगते हुए गॉड से ये बोल रहा होता है कि मैंने सिर्फ उन लोगों को उनकी जिंदगी से आजाद किया है जिस चीज को वो सही मान रहा था। इसी टाइम पे वो एक लड़की को देखता है जो कि एक शॉप के अंदर जा रही होती है और अब उसका अगला शिकार वो लड़की होती है। जब वो वहां जाता है तो उसके पास जाती है, उसके ऊपर कुछ कुत्ते हमला कर देते हैं जो कि उस लड़की के साथ ही होते हैं और साथ ही साथ कुछ और लोग भी होते हैं। किसी भी अनजान शख्स को देख के वो उस पर हमला कर देते हैं और इन सब लोगों ने ही अपनी आंखों पर पट्टी बांध रखी होती है, यहाँ तक कि कुत्तों ने भी। अब यहाँ पर ये ग्रुप भी इस पर विश्वास नहीं करता और वो बोलते हैं कि शायद तुम सियर हो जो कि हमारी पट्टी हटा के हमको मारने आए हो। मगर यहाँ पर सेबेस्टियन वही चीज बोलता है जो कि उसने पहले भी कुछ लोगों से बोली थी कि वो जानता है कि जनरेटर की तरह है, उसके थ्रू वो बिजली बना सकते हैं और खाना पीना भी उनका इसी तरह से चल सकता है। तो वो ग्रुप में से कुछ लोग उसको अपने साथ ले आने के लिए हाँ कर देते हैं और फिर ये इनके साथ चल पड़ता है। फिर ये लोग सेबेस्टियन को अपने साथ एक जगह लेके जाते हैं जो कि चारों तरफ से कवर्ड होती है और बंद होती है। अब यहाँ पर ये चीज भी पता लगती है कि वो स्पीशीज किसी बंद जगह के अंदर नहीं आती है, वो सिर्फ बाहर बाहर की जगह पर ही घूमती है और इसी वजह से उन स्पीशीज ने सेबेस्टियन ऐसे लोगों को सियर बनाया ताकि जो लोग छुपे हैं उनको भी वो मार सके। अब जब ये लोग एक हॉल के अंदर आ जाते हैं तो यहाँ पर इसी ग्रुप में से एक बंदा सेबेस्टियन के ऊपर शक करता है और उसके माथे पर चोट लगी हुई देखकर वो बोलता है कि तुम्हारे ये टाके किसने लगाए। यहाँ पर सेबेस्टियन उसको यही बोलता है कि इससे पहले मैं एक दूसरे ग्रुप के साथ था जहाँ पर उसी स्पीशीज ने उन सब लोगों को मार दिया और मैं बच के वहां से बाहर निकल गया। मगर वो बंदा उस पर शक करता है कि तुम कैसे बच गए, मगर वो किसी तरह अपने आप को बेगुनाह दिखाता है और यहीं पर उस ग्रुप में एक लड़की होती है और उसके साथ एक छोटी सी बच्ची होती है जिनके थ्रू वो बच जाता है। अब यहाँ पर जो ये बच्ची होती है इसका नाम होता है सोफिया और यहाँ पर सोफिया को देखकर सेबेस्टियन अपनी बेटी एना को ही याद करता है। यहाँ पर सोफिया एक ऐसी लड़की थी जिसको जर्मन आती थी और इंग्लिश बोलने नहीं आती थी और सेबेस्टियन को जर्मन भी आती थी तो उसकी बातें समझता है जिसके थ्रू वो उससे कनेक्ट कर पाता है और बाकी सबको उसकी बातें भी समझा पाता है। और यहीं पर ये बच्ची सेबेस्टियन को अपनी कहानी बताती है कि कैसे वो एक बोट में थी अपनी माँ के साथ और वहाँ पर धीरे धीरे लोग अपनी जान लेना शुरू कर रहे थे पानी में कूदकर और साथ में उनको भी नुकसान पहुँचाने की कोशिश कर रहे थे। तो किसी तरह उसकी माँ ने उसकी जान बचाई और एक कार के अंदर बैठ गए और उस कार में एक रेडियो था जिसके थ्रू उनको पता लगता है कि एक सेफ जगह है जिसकी लोकेशन सोफिया को पता थी जो कि उसने उस रेडियो के थ्रू सुनी थी। इसी पर सेबेस्टियन उससे पूछता है कि वो सेफ जगह तुम बता सकते हो कि किधर पड़ेगी। इसी पर सोफिया वहां से उठती है और दीवार पे जाके एक पहाड़ी पर किलर टाइप का शो करती है। इसी ग्रुप में इस जगह को पहचान लेते हैं और वो कहते हैं कि ये जगह तो पहाड़ों के ऊपर मौजूद है और यहाँ तक पहुंचने के लिए हमें एक केबल कार का यूज करना पड़ेगा और केबल की कार के थ्रू दूसरी तरफ तक जाना पड़ेगा। इसी पर उस ग्रुप में कुछ लोग तो वहां जाने के लिए हाँ बोलते हैं और कुछ लोग ना बोलते हैं। पर जब सेबेस्टियन उनको बोलता है कि तुम यहाँ पर कब तक छुप के बैठे रहोगे तो इसी पर बाकी सब लोग भी हाँ कर देते हैं जो मना कर रहे थे। बाहर निकलते ही वो सबसे पहले एक बैंक तक जाते हैं जहाँ से वो टावर तक पहुँचने के लिए एक मैप सर्च करते हैं बैंक के लॉकर से और फिर यहाँ तक आते आते इनको रात भी हो जाती है और जिसके लिए वो एक हॉल में रुकते हैं और यहीं पर सेबेस्टियन अपनी चाल चलना शुरू कर देता है। अब सेबेस्टियन को सबसे पहले उन कुत्तों से पीछा छुड़वाना था तो इसीलिए वो उस ग्रुप में जो दो कुत्ते होते हैं उनकी रस्सी को अधूरा काट देता है ताकि जब वो बाहर जाए तो किसी तरह उन लोगों से अलग हो जाए ताकि वो उनके थ्रू रास्ता सर्च ना कर पाए। और फिर अगली सुबह जब ये सब उठते हैं बाहर निकलते हैं तो ऐसा ही होता है, वो कुत्ते आगे बढ़ने के लिए जोर लगाते हैं और वो पट्टी टूट जाती है और यहीं पर वो स्पीशीज भी आ जाते हैं। अब जब ये कुत्ते अलग होते हैं तो जो उन कुत्तों का मालिक होता है वो उनसे बहुत ज्यादा प्यार करता है और उनके पीछे पीछे वो उनको बचाने के लिए जाता है जब उन कुत्तों की आवाज सुनता है और जब उसको कोई और चारा नहीं दिखता तो वो अपनी आंखों की पट्टी हटा जाता है क्योंकि उन स्पीशीज के जरिए उन कुत्तों की रोने की आवाज उसको सुनाई पड़ रही थी तो उनको बचाने के लिए वो अपनी पट्टी हटा देता है जिसके बाद वो स्पीशीज उसको दिख जाती है फिर वो अपनी जान ले लेता है। और यहाँ पर ये चीज रिवील होती है कि वो स्पीशीज इनके दिमाग से खेलकर इनके दिमाग में जो इनके अपने प्यारे होते हैं उन लोगों की आवाजें सुनाता है जिसके जरिए वो उनकी आंखों की पट्टियां हटवाता है या फिर आंखें खुलवाता है। और इसी दौरान इस ग्रुप में एक बूढ़ा आदमी होता है जिसके हाथ पर वो कुत्ता काट लेता है उस स्पीशीज के कब्जे में आने के बाद और वो काफी ज्यादा घायल भी हो जाता है। इसके बाद एक शख्स इनके ग्रुप में से कम हो जाता है और अब ये जो भी लोग बचते हैं एक हॉल के अंदर घुस जाते हैं। जब ये लोग हॉल में आते हैं तो इनको कहीं ना कहीं आइडिया आता है कि वो स्पीशीज किसी तरह इनके दिमाग के साथ खेलती है और इनके अपने प्यारों की आवाज सुनाती है जिसके जरिए वो
उनको देखने पर मजबूर करती है। इसी बीच में जिस बूढ़े आदमी के हाथ में कुत्ते ने काट लिया था उसकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है, जिस पर इस ग्रुप में लड़की जिसका नाम क्लेयर होता है वो बोलती है कि इनके इलाज के लिए कुछ एंटीबायोटिक लानी पड़ेगी। और फिर वो उसी बिल्डिंग के अंदर अपनी खोज शुरू करते हैं दवाइयों की, और इस चीज के लिए ये तीन लोग जाते हैं, सेबेस्टियन, क्लेयर और ऑक्टेवियो। तीनों ने अपनी आंखों में पट्टी बांध रखी होती है और धीरे धीरे आगे बढ़ रहे होते हैं। अब तीनों अलग अलग जगह सर्च कर रहे होते हैं थोड़ी थोड़ी दूर पर, और यहाँ पर सेबेस्टियन एक जगह पे पहुंचता है जहाँ पर बाहर से थोड़ी बहुत रोशनी आ रही होती है, और यहीं पर उसको उसकी बेटी दिख जाती है जो कि उसको दोबारा से मजबूर करती है और भड़काती है कि किसी तरह आपको उन लोगों की भी पट्टी खोलनी पड़ेगी। और फिर सेबेस्टियन ऐसे ही करता है, वो रोशनी देखने के बावजूद भी ऑक्टेविया के पूछने पर उसको झूठ बोलता है कि यहाँ पर सब कुछ ओके है और सब कुछ ढका हुआ है, तुम अपनी आंखों की पट्टी हटा सकते हो। और ऑक्टेविया उसके बोलने पर ऐसे ही करता है, वो अपनी आंखों की पट्टी हटा लेता है और वहां पर वो बाहर की रोशनी देख लेता है, जिसके बाद वहीं पर मौजूद स्पीशीज उसको दिख जाता है और फिर वो अपनी जान ले लेता है। अब इस दौरान एक चीज अलग हुई थी सेबेस्टियन के साथ, कि सेबेस्टियन जब भी किसी बंदे को मजबूर करता था उसकी आंखों की पट्टी खोलने के लिए, या फिर जब किसी की जान उसके सामने जाती थी, तो हमेशा उसके अंदर से एक रोशनी निकलती थी, मतलब इसको लगता था कि वो उनको आजाद कर रहा है। और इस बारी जब ऑक्टेविया ने अपनी जान ली थी तो यहाँ पर कोई रोशनी नहीं निकलती, और यहीं पर से उसको थोड़ा सा अपने ऊपर गुस्सा आने लगता है कि वो ये सब गलत कर रहा है। इसी के बाद उसकी बेटी उसको मजबूर करती है ये करने के लिए कि क्लेयर को भी बोलो कि यहाँ पर आ जाए और अपनी पट्टी खोल दे, मगर सेबेस्टियन इस बारी उसको इग्नोर मारता है और वहां से क्लेयर को लेकर चले जाता है। इसके बाद ही क्लेयर उस बूढ़े आदमी को जाके दवाई लगाती है जो कि उसने बाथरूम के अंदर से निकाली थी, और उसको हिम्मत दिलाती है कि आपको हमारे साथ चलना पड़ेगा। और इसी बीच में सेबेस्टियन को उसकी बेटी दिखती है जो कि उसको बोल रही होती है कि क्या आपको मेरे साथ नहीं रहना। तो इस पर सेबेस्टियन ये बोलता है कि जो भी मैं कर रहा हूँ वो सब गलत है, और उसको कहीं ना कहीं पता लग जाता है कि वो मिसगाइड हो रहा है अपनी बेटी की बातों से, वो कोई फरिश्ता नहीं बल्कि एक दरिंदा है जो कि लोगों की जान ले रहा है। अब इसके बाद ये सब जब बाहर निकलते हैं दूसरी जगह तक जाने के लिए, तो यहाँ पर कुछ सीयर आ जाते हैं जो कि उस स्पीशीज के कब्जे में होते हैं इन सबको मारने के लिए। अब जब ये बच के भाग रहे होते हैं तो इनके ग्रुप में से जो बूढ़ा आदमी होता है वो और उसकी बीवी किसी तरह अलग हो जाते हैं, और वहां पर वो स्पीशीज भी आ जाता है। तो इसी बीच में बूढ़े आदमी को पता लग जाता है कि अब वो मरने वाले हैं, तो इसलिए वो अपनी आखिरी इच्छा जाहिर करता है अपनी बीवी से कि वो आखिरी बार उसको देखना चाहता है, और इसलिए वो एक दूसरे की पट्टी हटा लेते हैं और फिर उस स्पीशीज के कब्जे में आकर अपने आप को मार लेते हैं। इसके बाद ही सेबेस्टियन, क्लेयर और वो छोटी बच्ची एक जगह पर घुस जाते हैं, और यहाँ पर घुसते ही क्लेयर को ये पता लग जाता है कि सेबेस्टियन उनके साथ अभी तक धोखा कर रहा था, क्योंकि उसको उसका चश्मा दिख जाता है जिसमें से सब कुछ दिखता था, और उसको पता लग जाता है कि सेबेस्टियन भी एक सीयर है। और ये सब जानने के बाद क्लेयर सोफिया को लेकर अपने साथ ऊपर की तरफ भागने लगती है सेबेस्टियन से बचने के लिए। सेबेस्टियन उसको बार बार विश्वास दिला रहा होता है कि अब वो वैसा नहीं है, उसको सब चीजें क्लियर हो गई हैं और अब वो उनकी जान बचाना चाहता है, और अगर तुमको टावर तक जाना है तो तुमको मेरी मदद की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि अब सेबेस्टियन उस बच्ची को ही अपनी बेटी की तरह मानने लगा था तो वो उन लोगों को बचाना चाहता था। और इसी बीच में उसको बार बार अपनी बेटी दिखती है ना, जो कि उसको बार बार भड़का रही होती है कि वो गलत कर रहा है, उसको उन लोगों की पट्टी किस तरह खोलनी पड़ेगी और उन लोगों को मारना है, क्योंकि ऐना उसकी बेटी नहीं बल्कि उसी स्पीशीज की एक तरह की शक्ति है जो कि सेबेस्टियन को मिसगाइड कर रही है। यहाँ पर क्लेयर और सोफिया छत पर चले आती हैं, जहाँ पर पीछे पीछे सेबेस्टियन भी इनके पास आ जाता है और उनको समझाने की कोशिश करता है, मगर क्लेयर उससे दूर भाग रही होती है और उसकी आंखों में पट्टी बंधी होती है, साथ साथ सोफिया की आंखों में भी, और वो पीछे की तरफ हट रही होती है जहाँ पर छत एंड हो जाती है, मगर पीछे की तरफ एक स्टैंड होता है जहाँ पर वो गिर जाती है और सोफिया को किस तरह सेबेस्टियन पकड़ लेता है। यहाँ पर सेबेस्टियन सोफिया की आंखों की पट्टी हटा रहा होता है क्योंकि यहाँ पर बाबा ऐना उसको ब्लैकमेल कर रही होती है और इमोशनल डैमेज कर रही होती है, यही सही चीज है, मगर यहाँ पर किसी तरह सेबेस्टियन अपने को मना लेता है और सोफिया की आंखों की पट्टी नहीं हटाता। इसी के बाद कुछ टाइम पहले का सीन दिखाया जाता है जब बाहर की तरफ सारा अफरा तफरी मच चुकी होती है, काफी लोग अपने आप को मार चुके होते हैं, मगर सेबेस्टियन अपनी बेटी ऐना के साथ एक बिल्डिंग के अंदर होता है जहाँ पर वो उसका बर्थडे मना रहा होता है एक छोटे से केक के साथ और दो कैंडल्स के साथ, और इसी थोड़ी सी रोशनी को उस बिल्डिंग के बाहर चर्च वाला आदमी नोटिस कर लेता है और उस बिल्डिंग के अंदर घुस जाता है क्योंकि उसको पता लग गया था कि इस बिल्डिंग के अंदर कोई छुपा हुआ है। अब वो चर्च वाला आदमी भी एक सीयर ही होता है जो कि उस स्पीशीज के साथ मिला होता है, और फिर वो अपने ग्रुप के साथ सेबेस्टियन को पकड़ लेता है और उसकी बेटी को पकड़ लेता है जो कि इनको छत पर ले आता है। इसी के बाद वो लोग किसी तरह ऐना की आंखें खोल देते हैं और स्पीशीज को दिखा जाते हैं, जिसके बाद ऐना अपने आप को छत से गिरा के मार लेती है और सेबेस्टियन उसको पकड़ नहीं पाता। अब यहाँ पर सेबेस्टियन जब अपनी बेटी को बचाने जा रहा होता है तो उसी टाइम पे वो अपनी आंखों की पट्टी हटाता है और उस स्पीशीज को देख लेता है, मगर यहाँ पर वो अपनी जान लेने के बजाय सीयर में कन्वर्ट हो जाता है। अब यहाँ पर
उन स्पीशीज ने सबेशन को चुना था सियर बनने के लिए, क्योंकि वो चीज उनके हाथ में होती है कि वो किसको मारना चाहते हैं और किसको अपने कब्जे में करना चाहते हैं। और इसके बाद ही क्लियर हो जाता है कि उस स्पीशीज के थ्रू ही सबेशन के माइंड में चेंजेस आ गए थे, जिसके बाद वो ये सब गलत काम करने लगा था। और उसके दिमाग में ये भर दिया गया था कि उसकी बेटी के पास अगर उसको आना है तो ये सब करना पड़ेगा, मगर अब वो उस स्पीशीज के कंट्रोल से बाहर हो चुका था और इसीलिए अब क्लेयर और सोफिया को वो बचाना चाहता था। और फिर वो किसी तरह क्लेयर और सोफिया को वापस से बिल्डिंग के अंदर ले आता है, मगर यहाँ पर क्लेयर सबेशन पर अभी विश्वास नहीं करती। और यहीं पर वो चर्च वाला बंदा भी आया था अपने ग्रुप के साथ इन लोगों को पकड़ने के लिए। यहाँ पर सबेशन किसी तरह इन लोगों से बचते बचाते इन दोनों के साथ एक गाड़ी में बैठ जाता है और वहां से भागने में कामयाब हो जाता है। वो किसी तरह बचते बचाते उस गाड़ी को टावर तक लेके चले जाता है और सीधा उसके गेट के आगे उस गाड़ी को फंसा देता है, क्योंकि उसको पता है कि उसके पीछा बाकी सारे सीयर कर रहे हैं उन लोगों को मारने के लिए। उसके बाद ही सबेशन क्लेयर और सोफिया को बोलता है कि तुम टावर के ऊपर चढ़ो, मैं यहीं पर उन सबको रोकूंगा। और साथ ही में बाकी सबको रोकने के लिए उस गाड़ी के पेट्रोल टंकी में वो आग लगा जाता है ताकि अंदर की तरफ कोई ना आ पाए। इसके बाद ही जब वहां पर मौजूद सीयर उस जगह को पार करने की कोशिश करते हैं तो वो गाड़ी फट जाती है। इसके बाद 3-4 सीयर मर जाते हैं, मगर इसके बावजूद भी वो चर्च वाला आदमी बच जाता है। फिर वहां से वो एंट्री करने की कोशिश करता है ऐना का रूप लेके, जिसके थ्रू वो सबेशन के पास आ सके और उसको मार सके। मगर सबेशन फिर भी अपने आप पे कंट्रोल कर एक सरिया उठाता है और सीधा उसके अंदर गाड़ देता है, ताकि ये सीयर क्लेयर और सोफिया के पीछे पीछे ना जा पाए। मगर ये सब करते वक्त सबेशन जब उस आदमी को घायल करता है तो साथ ही साथ में वो खुद भी घायल रहता है उस सरिये के जरिए। अब जब क्लेयर सोफिया के साथ ऊपर चढ़ रही होती है तो इसी बीच में सोफिया का पैर एक सीढ़ी पे पड़ता है जो कि टूट जाती है और वो नीचे की तरफ गिरने वाली होती है, मगर यहाँ पर क्लेयर उसको बचा लेती है। अब जब क्लेयर सोफिया के साथ ऊपर पहुंच जाती है तो यहाँ पर वो उन ट्रॉलीज को ऑन करने की कोशिश करती है वहाँ की मेन पावर सप्लाई के थ्रू, मगर जब वो उसको ऑन करती है तो वहाँ पर कुछ भी नहीं होता। वहाँ पर उसको एक बड़ा सा घंटा दिखता है जिसके थ्रू उसको आइडिया होता है कि अगर वो इसको बजाएगी तो शायद दूसरी तरफ से वो लोग ऑन कर दें इसको, जो कि सेफ जगह है। मगर जब वो घंटा बजाती है तो नीचे स्पीशीज भी होता है जो कि इस चीज को सुन लेता है और सीधा वो ऊपर टावर की तरफ चढ़ जाता है। अब बैल बजाने के बाद से ही दूसरी तरफ जो बंदे होते हैं जो कि सेफ जगह पे होते हैं उनको इशारा मिल जाता है, इसलिए वो उस ट्रॉली को ऑन कर देते हैं ये सोच के कि दूसरी तरफ किसी को हेल्प चाहिए। मगर यहाँ पर सोफिया बड़ी मुश्किल से अपने आप को और सोफिया को स्पीशीज से बचाते हुए अपनी लाइफ का रिस्क लेके उस ट्रॉली की तरफ कूद जाती है बिना किसी सपोर्ट के और उस ट्रॉली के अंदर घुस जाती है। और वो ट्रॉली के अंदर चारों तरफ काला रंग लगा होता है ताकि बाहर की रोशनी अंदर की तरफ ना आ पाए और ना ही वो स्पीशीज उसके अंदर आ पाए। मगर इसी बीच में नीचे सबेशन उस बंदे को रोकते रोकते खुद की भी जान ले लेता है। फिर ये केबल कार दूसरी जगह ट्रैवल करना शुरू कर देती है जहाँ पर उनको पहुंचना था। अब यहाँ पर क्लेयर और सोफिया किसी तरह उस सेफ जगह पे पहुंच जाते हैं जहाँ पर वो ट्रॉली खुलते ही सामने कुछ फौजी खड़े होते हैं। वो उनको सीधा चेकअप के लिए भेज देते हैं, ये चेकअप करने के लिए कि वो सीयर तो नहीं है। और चेकअप के दौरान ये पता लग जाता है कि ये दोनों सीयर नहीं है। और फिर इसके बाद ही सोफिया जब एक जगह पर एंट्री करती है तो वहां पर उसकी माँ भी उसको दिख जाती है जो कि उससे थोड़े दिन पहले ही जुदा हो गई थी। और ये देख के क्लेयर भी रिलैक्स फील करती है और अच्छा फील करती है। अब ये जगह ऐसी होती है जो कि पहाड़ी के ऊपर होती है जहाँ पर कुछ लोगों को सेफ रखा गया है और यहाँ पर इन्होंने एक कैंप सा बना रखा है जो कि पूरी तरह ढका हुआ है। और यहीं पर वो इन लोगों के जरिए ही खाने पीने का भी बंदोबस्त कर रहे होते हैं, फसलें उगा रहे होते हैं और किसी तरह जिंदगी गुजार रहे होते हैं उन स्पीशीज से बचते बचाते। इसके बाद ही क्लेयर को दिखाया जाता है जो कि एक डॉक्टर के सामने होती है जो कि उसका डीएनए चेक कर रहे होते हैं। और यहाँ पर क्लेयर उससे पूछती है कि डीएनए चेक करने से कैसे पता लगेगा कि वो सीयर नहीं है। यहाँ पर डॉक्टर उसको ये बताती है कि जो स्पीशीज को देख लेता है उनके दुख इतने ज्यादा बढ़ जाते हैं कि उनके माइंड के जरिए उनके डीएनए में भी चेंजेस आ जाते हैं। और इसी के बाद एक लैब में दिखाया जाता है जहाँ पर इन लोगों ने एक सीयर को पकड़ रखा है और इसके ऊपर टेस्टिंग चल रही है। वो इस सीयर में से खून निकालते हैं और एक चूहे में डाल देते हैं, फिर उसको एक लॉकर में डाल देते हैं। और उसके बाद ऐसे दिखाने की कोशिश करी गई थी कि अब वो चूहा बहुत खतरनाक सा हो चुका है और वो लॉकर तोड़ के बाहर आने वाला होता है, मगर इतने में मूवी दी एंड हो जाती है जो कि शायद वो अगले पार्ट में दिखाने की कोशिश करें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग और प्लीज इस चैनल को सपोर्ट करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें।